रुड़की से एक मामला सामने आया है जहां सिविल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने घायल मरीज का इलाज करने के बदले गरीब परिजनों से 20,000 रुपए ऐंठ लिए। बता दें कि रुड़की का सरकारी अस्पताल आए दिन लापरवाहियों के चलते विवादों से घिरा रहता है। रुड़की का सरकारी अस्पताल अपने विवादों के चलते चर्चा में बना रहता है, जहां पर डॉक्टरों की हरकतें अस्पताल प्रबंधन को शर्मसार कर देती हैं। ताजा मामले में इलाज कराने पहुंचे घायल का ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। घायल बेसुध अवस्था में लगभग 6 घंटों तक तड़पता रहा, जिसके बाद एक डॉक्टर ने मरीज के परिजनों से 20,000 रुपए लेकर इलाज करने की बात कही। गरीब परिजनों ने बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपए की व्यवस्था करके डॉक्टर को दिए, तब कहीं जाकर मरीज को इलाज मिल सका। मरीज के इलाज के बदले पैसे मांगे जाने की शिकायत जब परिजनों ने अस्पताल के CMS डॉक्टर संजय कंसल से की, तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए हरिद्वार CMO को घटना से अवगत करवाया और जांच के बाद कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया। हम अस्पताल के डॉक्टर से की पेश की थी, उन्होंने हमारे से पैसे दे भी पेश लिया है इस सरकारी हॉस्पिटल में। हमें ये मालूम है कि पैसे डॉक्टरों पर जेब भरने के लिए ले रहे हैं इलाज के लिए। उसके बाद करीबन 5 घंटे के बाद हमारा मेडिकल हुआ। पार्टी के द्वारा सूचित किया गया है कि इमरजेंसी में उसके द्वारा चिकित्सक के द्वारा पैसे लिए गए हैं, तो मैंने तत्काल उसमें उनसे कहा कि एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए। उनको लिखना नहीं आता था, मैंने अपने स्टाफ को ड्यूटी पर लगाया और एप्लीकेशन लिख पा के, और हम उसमें एक जांच कमेटी बना रहे हैं और इस संबंध में मैंने CMO हरिद्वार को भी पूरा सूचित कर दिया है कि जो भी अगर कोई कल्प्रिट पाया जाता है तो उसके खिलाफ सबसे सख्त एक्शन उसमें लिया जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।